हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मालविया एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप सभी सीएससी वीएलई के लिए सीएससी में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। सीएससी का जो नया पोर्टल था बैंक मित्र रजिस्ट्रेशन का, वहां से जो है सीएससी ने नए बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन का कंप्लीटली प्रोसेस जारी कर दिया है। मतलब अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप जो है अपने सीएससी सेंटर पे बैंक बीसी का काम करना चाहते हैं, आप जो है किसी भी बैंक का काम अपने सीएससी सेंटर से लेना चाहते हैं, तो आप जो है अब सीएससी के माध्यम से बैंक मित्र का काम ले सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग भी अपना यूसीएल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना बैंक बीसी कोड लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों यहां पर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ गई है। आप जो है बैंक बीसी का काम लेके बैंक बीसी का कोड ले सकते हैं, उसके बाद आप जो है सीएससी यूसीएल में भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं कि अगर आप जो है बैंक मित्र में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं सीएससी के थ्रू, तो आप जो है किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, क्या क्राइटेरिया यहां पर जो है सीएससी की तरफ से रखा गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर आपको लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड तक का मैं आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए और हां, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने वीएलएस ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी सीएससी वीएलई जो है अपना, जिन्होंने भी बैंक मित्र का आईडी नहीं लेके रखा है आज तक और जो कि बैंक मित्र का आईडी लेना चाहते हैं, वो सभी लोग जो है अपना यहां पर फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर सके। क्योंकि दोस्तों, सीएससी की जो सर्विस होती है आपको भी नहीं पता कि इसका रजिस्ट्रेशन कब बंद कर दिया जाए, तो फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेंगे, तो यहीं पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि अभी नया नया ऐड किया गया है, जिसमें कि आपको यहां पर बताया गया है कि डियर वीएलई, अगर आप जो है बैंक मित्र के लिए या बैंक बीसी के लिए अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप जो है 6 महीने के अंदर आपने जो है डिजिटल सेवा पोर्टल से जो है कम से कम 100 ट्रांजेक्शन किए हुए होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको सिंपली इस वाले बटन पे क्लिक हियर का एक ऑप्शन जो मिल रहा है, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का क्राइटेरिया आएगा, आपको यहां क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपको जो है बैंक मित्र का जो सीएससी का ऑफिशियल नया वाला वेबसाइट है, उस पर आपको जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों को जो है इसका डायरेक्ट लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप जो है क्लिक करके डायरेक्टली यहां पे आ सकते हैं, अगर आपको जो है डिजिटल सेवा पोर्टल पर वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो, ठीक है ना। अभी दोस्तों, आपको यहां पर जो है 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, एक तो अप्लाई का और दूसरा चेक स्टेटस का। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है, अगर आप जो है बैंक मित्र के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो। तो यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा और आपके क्षेत्र में जितने भी सारे ऐसे बैंक हैं जो कि आपको जो है सीएससी के थ्रू काम देने वाले हैं, बीसी सेंटर प्रोवाइड करने वाले हैं, उन बैंकों की लिस्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले तो आप जो अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे हमारे क्षेत्र में अभी एक ही बैंक है, तो यहां पर हमको एक ही बैंक शो किया जा रहा है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में एक से ज्यादा भी बैंक है, तो आपको यहां पर लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप यहां पर अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही आपको बैंक का आप सिलेक्ट करेंगे, उसी बैंक के जस्ट पीछे आपको अप्लाई का बटन भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको जो है अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने जो है बैंक बीसी का इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहां पर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन वीएलई की ऑटोमेटिकली फिलअप कर दी गई है, जैसे कि वीएलई का नाम क्या है, सरनेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है ना। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन यहां पर नहीं भरी गई है, उसको आपको जो है यहां पर मैन्युअली फिलअप करना होगा। आपका जेंडर आपका आ चुका है, मैरिड स्टेटस आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, सिंगल है, मैरिड है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो है पति पत्नी या पिता की इंफॉर्मेशन को यहां पर दे देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर इंटर ऑफ द नेम, हस्बैंड वाइफ या फादर, जो भी नाम है आपको यहां पर इंटर कर देना है। आपके कितने बच्चे हैं वो आपको बता देना है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर यहां पर आ जाएगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप यहां पर इंटर करेंगे। सीएससी आईडी आपका यहां पर डला रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, अभी यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है, तो जो फिजिकल हैंडीकैप है वो यस करेंगे, जो नहीं है वो नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको आपका कास्ट सिलेक्ट कर लेना है, एसटी एससी ओबीसी जो भी आपका कास्ट है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड नंबर है, तो आप यहां पर डालेंगे। आपका पेन नंबर यहां पर ऑटोमेटिकली आपकी सीएससी आईडी से ले लिया गया है। ईमेल आईडी भी जो भी आपका सीएससी के साथ में रजिस्टर्ड है, ऑटोमेटिकली यहां पर ले लिया गया है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास में आपके गांव में जमीन है कृषि के लिए, है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा आपका एजुकेशन स्टेटस क्या है, तो यहां पर कम से कम आपको जो है 12वीं पास होना
होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा ग्रेजुएशन है, हमने ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है अपने विलेज में कितने साल से निवास करते हैं, तो आप यहाँ पर अपना ईयर बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है आपका धर्म पूछा जाएगा, जो भी आपका धर्म है इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में बैंक बीसी के लिए आपको जितनी भी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो आप उनको परचेस कर सकते हैं, तो आप जो है इसको यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वैसे आपको यस करना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आपसे यहाँ पर जो है आपकी एड्रेस डिटेल पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप जो है अपना एड्रेस फिलअप करेंगे, ठीक है ना। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लाइन 3। उसके बाद मान लीजिए अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप जो है इस वाले चेकबॉक्स को चेकमार्क करेंगे, तो आपका जो भी ऊपर आपने एड्रेस फिलअप किया है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको जो है आपके सीएससी सेंटर की डिटेल प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर आपको जो है शॉप नंबर बताना है, ठीक है ना, जो भी आपका शॉप का एड्रेस है। यहाँ पर आप जो है शॉप के खुद ऑनर है या आपकी जो शॉप है रेंटेड है, मतलब आपने किराए से लेके रखी है, तो खुद ऑनर है तो आप ऑन करेंगे। अगर आपने रेंट पे लेके रखी है तो आप रेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओनर्स नेम क्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशन विथ में यहाँ पर आपको शॉप एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको जो है अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, तो जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, करंट एड्रेस है, वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपका एरिया का पोस्टल पिन कोड आ जाएगा, आपका स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है वो आ जाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर चयन कर लेना है, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है। जैसे ही आप यहां पर सब डिस्ट्रिक्ट को चयन करेंगे, आपका सब डिस्ट्रिक्ट कोड भी यहां पर आ जाएगा। विलेज नेम क्या है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, आपका विलेज कोड क्या है वो यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपकी ब्रांच से आपका डिस्टेंस कितना है, मतलब आपका गांव जो है आपकी ब्रांच से कितना दूर है, वो आपको यहां पर बता देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको जो है नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर अब आपको जो है बीसी के बारे में जितनी भी सारी चीजें वो आपको फिलअप करनी होगी, जिसमें कि आपका IIBF का आपके पास में सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर आपका जो IIBF का सर्टिफिकेट है उसका डेट क्या था, कब आपने IIBF का सर्टिफिकेट पास किया था, IIBF सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको जो है IIBF सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपके गांव का पॉपुलेशन कितना है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है ना। जैसे कि आपके गांव में कितने लोग रहते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो है किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, तो अगर आप है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक बार फिर से पूछा जाएगा कि आपका जो ग्रामीण लोकेशन है वो सेमी अर्बन है, रूरल है या अर्बन है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है कनेक्टिविटी में यस करना है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन आपके यहाँ पर कौन सा आता है, मोबाइल इंटरनेट का आप यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं, वाईफाई का यूज करते हैं, आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने यहाँ पर वेरिफिकेशन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है दो व्यक्तियों के नंबर प्रोवाइड करना होगा, नाम और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जिस भी व्यक्ति की डिटेल देनी है उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, उसका काम क्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना। दोनों व्यक्तियों का आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको जो अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपको जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट के अलग अलग साइज बताए गए हैं। पैन कार्ड का जो साइज है 50 KB तक का होना चाहिए, तो आप यहाँ चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करके आपका पैन कार्ड का जहाँ कहीं भी आपने फाइल रखा है उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। JPG या PNG फाइल में ये फाइल अपलोड होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको IIBF का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको जो है उसको अपलोड कर देना है। 2 MB तक का साइज आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना स्वयं का एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है, ये भी 50 KB का साइज आपके पास में होना चाहिए। करंट सिविल रिपोर्ट आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिस भी चीज पर आपको स्टार नहीं लगा है, मतलब IIBF का सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर आपको जो है मैंडेटरी अपलोड करनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है करंट सिविल रिपोर्ट भी आपको अपलोड कर देनी है। अब आपको जो है अगर अपना सिविल रिपोर्ट निकालना नहीं आता है, तो इस पर भी आपको डिटेल में बहुत ही जल्दी वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप एक CSE VA लिए तो आप अपना सिविल रिपोर्ट जो है CSE के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। 6 महीने से ज्यादा पुराना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है ना। 6 महीने से अगर पहले का बना हुआ है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। होम एड्रेस प्रूफ में आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो भी आपके पास में है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वो आप यहाँ पर लगाएंगे। शॉप एड्रेस प्रूफ में आपका जो भी बिजली बिल वगैरह है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका जो भी है उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको रिव्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिव्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो फॉर्म है उसका
उसका कंप्लीटली रिव्यू आपको जो है इस तरह से बताया जाएगा। आप जो है सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी गलत है तो यहाँ पर आप जो है क्लोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे, प्रीवियस जाकर उस इन्फॉर्मेशन को आप जो है सुधार लेंगे, ठीक है ना। सारी इन्फॉर्मेशन या सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का बटन मिलेगा, आपको जो है सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से सबमिट कर देते हैं अपने फॉर्म को, तो आपका जो है बैंक बीसी के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर हो जाता है और आपको एक रेफरेंस आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रेफरेंस आईडी मिल जाने के बाद आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करके उनको जो है रेफरेंस आईडी सेंड कर दीजिए, तो उनके द्वारा जो अप्रूवल का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करा लिया जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पर सीएससी की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया था उस बैंक की तरफ से आपको जो है कॉल करके बुला लिया जाएगा। बाकी की फॉर्मेलिटीज जो है आपको बैंक में करनी होगी, जहां पर कि आपको अपना एक ओडी अकाउंट ओपन कराना होगा, जिसमें कि आप जो है लेन देन का पैसा जो भी है उसको ट्रांसफर कर सके और उस वाले पैसे को आप जो है रख सके, ठीक है ना। अगर आपको जो अपना स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है चेक स्टेटस का, आप जो इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जो एप्लीकेशन आईडी आपको मिला है आप जो है यहां पर इंटर करेंगे, सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है आपको यहां पर बता दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है कहां तक पहुंचा है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है सीएससी के माध्यम से अपना बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने वीएलएस ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि सभी वीएलएस को जो है बैंक मित्र की जो नई पोर्टल है या नई सर्विस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके और सभी लोग जो है अपना बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर सके। और आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।